फैसलाबाद वाली मिल में एक छोटी डिस्पेंसरी थी जो ये औरत चलाती थी। बाद में उसने एक क्लिनिक बना लिया बड़े साहब की मेहरबानी से। डिस्पेंसरी तो बंद हो गई पर क्लिनिक सोरों पे चल रहा। बहुत दिनों से इस घर में बहुत खामोशी है, सोचा थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप बिना बाजी के खाने में मिला क्या रही है? फिक्र नहीं करो, जहर नहीं मिला रही हूँ, बस तबीयत खराब करने वाली दवाई। आपको यकीन तो है ना? नहीं बेटा, आपने मुझे ऑफिस में फोन किया? जी अंकल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। नाइल बेटा, मैं तुम्हें पैसे देने का मजाक नहीं। क्यों? मगर अंकल, आप तो हमेशा मॉम और डैड के बीच में ब्रिज का काम करते रहे हैं। अगर डैड में छोड़ गए हैं तो क्या अभी मैं इसी तरह बेसहारा छोड़ देंगे? ठीक है, मैं इत्तेशाम से बात करता हूँ। वो कौन होता है मुझे मेरे हिस्से से रोकने वाला? फरजाद यूसफीन की एम्पायर की चाबी। माय फुट। मुझे क्यों ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? जाने मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि जैसे पीना किस हालत का जिम्मेदार आप मुझे समझ रहे हो? आप जिम्मेदार तो नहीं है लेकिन शायद जिम्मेदार को छुपा रहे। जब मुझे किसी चीज का इल्म ही नहीं है तो आप जानते हैं डॉक्टर साहब, बीना को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और आप शायद इसे फूड पॉइजनिंग का केस बता रहे हैं। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे शाम साहब। 15 साल से आप इस फैमिली के फिजिशियन हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खाली जान की वजह से आपको नाम भी मिला है और काम भी। जो चीजें मुझे मिली हुई है वो किसी इंसान की मोहताज नहीं, मगर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि बीना चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई है और दुश्मन इस घर में पंजे निकाल। देखिए, मुझे बीना से पूरी हमदर्दी है मगर मैं इस फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन बेहिस भी न बनी। एहतशाम साहब, मैं ये चाहता हूं फारूकी साहब कि आप पुलिस में ये बयान दे दें
कि बीना को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। पर सर, क्या भाभी, मगर फरजाद के दूसरे बेटे के मिलने से पहले मैं जायदाद तकसीम नहीं कर सकता। इसी एक लफ्ज से तो मैं सारी जिंदगी भागती आई हूं महमूद भाई। जिस दिल से मैंने फरजाद को इस घर और उस घर में तकसीम होते देखा है मैं ही जानती हूं। और आप फरजाद की सारी जिंदगी की कमाई को जायदाद का नाम देकर उसके खानदान के टुकड़े करना चाहते हैं। ये मेरी मजबूरी है और कानूनी जरूरत भी। आप क्या चाहती हैं? मेरी इद्दत की मुद्दत खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं चाहती हूं कि आप फरजाद के दूसरे बेटे की तलाश शुरू कर दें। ऐलान, इश्तिहार, जितने जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं करें। मैं तो अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़किया भाभी। आपको मिलने से कुछ माह पहले फरजाद की मुलाकात शगुफ्ता नामी नर्स के साथ हुई। उस क्लास की लड़की से फरजाद? फरजाद उन दिनों शदीद ज़हनी दबाव से गुजर रहा था। उसे लगा जैसे उसे शगुफ्ता ही की तलाश थी। जब तक वो आपसे मिला बात बढ़ चुकी थी। फरजाद ने इतना बड़ा राज मुझसे छुपा के रखा। जिस साल कम तो नहीं होते महमूद भाई। शायद इसीलिए बेटे की पैदाइश के दौरान शगुफ्ता की डेथ हो गई। बेटे की परवरिश के लिए और उसकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पे सौंप दी गई। शहरों से दूर बोर्डिंग स्कूल्स में उसकी परवरिश हुई। वो अक्सर मुझसे अपने माँ बाप के बारे में पूछता था और मैं हमेशा की तरह टाल देता था। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वो कौन है और कहाँ है, तो फिर आप उसको लेके नहीं आए? 3 साल पहले उसे फरजाद से अपने रिश्ते का इल्म हो गया। वो नाम मांगने फरजाद के पास आया। फरजाद ने उसे मुंह मांगी दौलत देने की पेशकश की और उसे सब कुछ भूलने को कहा। फिर तब से ना उसे किसी ने देखा ना उसके बारे में कुछ सुना।